हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 123 फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक सीटी 2015 फिजिक्स सॉल्यूशंस। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज़ द डायमेंशंस ऑफ। तो हमको क्या बोला गया है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या देता है, मतलब कौन सी क्वांटिटी देगा, टाइम, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एन एच बाई टू पाई होता है, बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल में हमने पढ़ा हुआ है, और एल इज इक्वल टू आई इन टू ओमेगा भी होता है ना। तो अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर लूँ तो मुझको मिलेगा एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई विच इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो हमको क्या ढूंढना है, एच बाई आई। तो ये बाकी की चीज़ें इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे होगा एच डिवाइडेड बाई आई विच इज इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाई एन इन टू ओमेगा। ये जो कुछ भी है, एन नंबर है, टू पाई कॉन्स्टेंट है, तो इसका नो यूनिट, नो यूनिट। तो अब जो भी एच बाई आई है वो किसके यूनिट में आएगा, ओमेगा। तो ओमेगा क्या दिखाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब जो एच बाई आई है वो कुछ जुड़ा हुआ है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए टाइम है बिल्कुल नहीं, फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन जो हमको क्वांटिटी मिला वो कौन सा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये सही है। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडीज ए एंड बी आर शोन, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। तो हमने पढ़ा हुआ है वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ जब आप स्लोप निकालते हो है ना, तो वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल टू टैन थीटा है ना, और थीटा कहाँ से देखना चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। थीटा कहाँ से देखना है, एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पे स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन है, यानी कि अगर मैं ए का एक्सेलरेशन लिखूँ, ए ए इक्वल टू टैन थीटा कितना बना रहा है, ए का लाइन 25 डिग्री, सो दिस इज टैन 25 डिग्री। तो मेरे को बी का भी एक्सेलरेशन लिखना है, तो बी का एक्सेलरेशन लिखना है तो मुझको ये एंगल पता होना चाहिए। तो टोटल एंगल 90 होता है, तो उसमें से ये वाला 40 चला गया, तो ये कितना हो गया, 50। तो ए बी इक्वल टू टैन 50 डिग्री। तो हमको इन दोनों का रेशियो चाहिए, ए ए डिवाइडेड बाई ए बी दैट इज इक्वल टू टैन 25 टैन 50। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, टैन 25 40, टैन 25 50, तो ये वाला अपना मैच कर रहा है। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी वी सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड द हॉरिजॉन्टल रेंजेस। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर मैं किसी पार्टिकल को थ्रो करता हूं तो उसकी हॉरिजेंटल रेंज जो भी है आर, वो उसकी एच मैक्सिमम के बराबर है। एच मैक्सिमम मतलब कौन सा वाला मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट हाइट, यानी कि जब मैं कोई चीज को ऐसे ऊपर फेंकता हूं तो वो कितनी हाइट तक जाएगा, उसे क्या बोलाते हैं, एच मैक्सिमम। तो उसे का फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। तो आपको बोला गया आर की वैल्यू किसके बराबर है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्वेश्चन में बोल रहा है हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द पार्टिकल इज ट्वाइस, यानी कि टू टाइम्स एच मैक्स। एच मैक्स की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर बाई टू जी। तो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, टू टाइम्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। सो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर वन। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए स्टोन ऑफ मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द स्टोन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। कोई बॉडी है जिसका मास है 0.05 kg, इसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो इसको ग्रेविटी किधर लग रहा होगा, नीचे, कितना, एम जी, ये एम है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो जितने इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो वाले सही होंगे, उनमें से नंबर भी निकालेंगे। तो एम जी का वैल्यू कितना होगा, 0.05 × जी की वैल्यू कितनी, 9.8, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.49। तो आप देखिए 0.49 के दो ऑप्शन है, तो हमको कौन सा चूज करना चाहिए, डाउनवर्ड वाला, न्यूटन डाउनवर्ड। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन है बी, क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 4 kg मोमेंटम 6 न्यूटन सेकेंड विल बी। तो हमको क्या बोला गया है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 4 kg और उसका मोमेंटम दिया गया हमको 6 न्यूटन सेकेंड। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए बोला गया। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन होता है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो पी इज 6, 6² 36 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 4। सो कितना होगा ये, दिस इज 9, 9/2 यानी कि 4.5 जूल। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए सेकेंड हैंड टू द आवर हैंड ऑफ ए वॉच इज। तो यहाँ पे कोई वॉच है, ये उसका सेकेंड हैंड है और ये वाला उसका आवर हैंड है। तो अब आप जानते हैं आवर का हैंड एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 12 घंटे लेता है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड इक्वल टू कितना, 12 आवर्स। और जो सेकेंड हैंड होता है वो एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, 60 सेकेंड्स। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये एक चक्कर में कितने डिग्री घूमता है, थीटा इक्वल टू 2π। दोनों भी एक चक्कर में थीटा यानी कि 2π डिग्री घूमते हैं। तो हमको बोला गया है ओमेगा एच एच अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो थीटा डिवाइडेड बाई टी एच एच विच इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई 12। आवर को मिनट में करेंगे तो इंटू 60, मिनट को सेकेंड में करेंगे तो इंटू 60। तो ये हमको मिला इसका। और वैसे ही सेकेंड हैंड का देखेंगे तो कितना आएगा, थीटा डिवाइडेड बाई टी एस एच यानी कि सेकेंड हैंड, दैट इज थीटा इज 2π डिवाइडेड बाई 60। क्लियर। हमको क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड यानी कि ओमेगा एस एच डिवाइडेड बाई ओमेगा एच एच। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा एस एच की वैल्यू कितनी है, 2π डिवाइडेड बाई 60। इसको डिवाइड करना यानी कि उल्टा करके इंटू कर देना होगा, 12 × 60 × 60 डिवाइडेड बाई 2π। तो ये वाला 60 कैंसिल, ये 2π और ये वाला 2π कैंसिल। तो 12 × 60 कितना होता है, 720:1। तो इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला। आई होप कि ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया इफ द मास ऑफ द बॉडी इज यम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। तो अर्थ का सर्फेस है, ये कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, यम अर्थ पे। अगर इस बॉडी को मून पे लेके जाएंगे तो तब भी इसका मास कितना होगा, यम होगा, क्योंकि मास डज नॉट चेंज विथ प्लेस। मास में कोई चेंज नहीं आता है, वेट बदलता है। अगर हम अर्थ से मून पे जाते हैं तो वेट चेंज होता है लेकिन मास चेंज नहीं होता है, क्योंकि मास का डेफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए बॉडी, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए बॉडी। तो ये अर्थ के ऊपर जितना मास है मून पे भी उतना ही मास होगा, किसी भी जगह चले जाओ मास में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसमें क्या होगा, सेम, या क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड रोटेटिंग अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर इज आई। तो हमारे पास कोई रॉड है, ये वाला, इसकी लेंथ हमको नहीं पता है तो मैं मान रहा हूं यहां पे कितनी लेंथ है, एल। तो इसके सेंटर ऑफ मास में से अगर से कोई एक्सिस ऐसे पास हो रही है तो ये वाला इसके अबाउट अगर घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। तो उसके बाद क्या बोला है, इफ द सेम रॉड इज बेंट इनटू ए रिंग एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। अगर मैंने इस रॉड का ऐसे रिंग बना दिया और इस रिंग के डायमीटर के अबाउट अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, आई डैश। तो हमको पूछा गया है आई डिवाइडेड बाई आई डैश की वैल्यू कितनी है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसके लिए लिखता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये होगा यम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। और इसके लिए अगर मैं लिखूँ तो अगर इसका रेडियस मान लेता हूँ मैं आर है तो अबाउट द डायमीटर आई डैश इज इक्वल टू यम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है रिंग के लिए, क्लियर। सो दिस इज रिंग। तो अगर से मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे को आर की वैल्यू नहीं पता है तो यल जो भी है वो 2πr के बराबर है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी होगी, यल डिवाइडेड बाई 2π। तो ये आर इसके अंदर पुट कर देंगे तो कुछ होगा यम डिवाइडेड बाई 2 इंटू यल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो I डिवाइडेड बाई आई डैश इक्वल टू, पहले ये लिखते हैं यम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू
इसको अगर डिवाइड करना है तो ये वाला ऊपर जाएगा, यानी कि 8 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ML स्क्वायर। तो अगर मैं ये ML स्क्वायर काट दूँ और ये वाला 4 2 जा 4 3 जा, तो I/I' की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2/3 पाई स्क्वायर, तो ऑप्शन थर्ड वाला मैच कर रहा है। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज नोन एज। तो हमने पढ़ा हुआ है हाइड्रोलिक स्ट्रेस मतलब कौन सा वाला, वॉल्यूम में चेंजेस लाने वाला स्ट्रेस है ना, हाइड्रोलिक स्ट्रेस मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस मीन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो इसका करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आता है वो कौन सा होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, बल्क मॉडुलस मिलेगा ना। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला कहता है बल्क मॉडुलस इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द एफिशिएंसी ऑफ ए कैरनॉट इंजन विच ऑपरेट्स बिटवीन द टू टेम्परेचर्स T1 = 500 T2 = 300। तो हमको एफिशिएंसी पूछी गई है, तो T1 दिया गया है 500, T2 भी दिया गया है 300। तो हमको इसकी एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 - T2 / T1, दैट इज 1 - 300 / 500। तो ये होगा 200 / 500, क्लियर। तो 0 0 0 कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा आंसर 0.2 इंटू 100, अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो ये होगा, सॉरी ये 0.2 नहीं 0.4 आएगा, तो अगर इसको इंटू कर देंगे 100 से तो ये होगा 40%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 1 ग्राम ऑफ आइस इज मिक्सड विथ 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज। तो हमको बोला गया कि 1 ग्राम आइस अगर 1 ग्राम स्टीम के साथ मिक्स किया जाए तो जब वो दोनों इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे तो तब टेम्परेचर कितना होगा बल्कि हमको पूछा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, तो मेरे पास आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है और मेरे पास स्टीम है, स्टीम कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो स्टीम है इसको अगर से मैं कन्वर्ट कर दूं कितने में, वाटर से, वाटर कंडेंस कर दिया है मैंने इसको, तो वाटर कितने डिग्री सेल्सियस में मिलेगा मुझको, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब मैं स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझको हीट मिलेगी, तो वो हीट होगी LV * m के बराबर। तो इसका मास कितना है, 1 ग्राम, तो इसका भी मास है 1 ग्राम, क्लियर। तो जब स्टीम से वाटर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसमें मेरे को कुछ हीट मिलेगी, 540 * 1 विच इज इक्वल टू 540 कैलोरी। LV की वैल्यू कितनी होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम के बराबर होती है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, स्टीम से वाटर बनाया, तो जब स्टीम से वाटर बनता है तो हमको इतनी हीट बाहर मिलती है ना। तो अब देखिए, तो अभी वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब मैं आइस को वाटर बना दूं कितने ग्राम, 1 ग्राम वाटर बनेगा, तो इसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो यहाँ पे लैटेंट हीट वाला हीट आएगा। तो इसे LF * m, LF की वैल्यू होती है 80 * 1, दैट इज इक्वल टू 80 कैलोरी। तो इसका मतलब आपको आइस को मेल्ट करके वाटर बनाने के लिए 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, 80 कैलोरी अगर से चला भी जाएगा तो इसके अब टेम्परेचर में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो अगर मैं इसको हीट करूं वाटर, तो अभी मैं इसको हीट कर रहा हूं तो ये वाला इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कितने डिग्री तक, 100 डिग्री। पहले कितना था, 0 डिग्री, अभी कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो हीट लगी Q2 वो होगी MC ΔT के बराबर। सी मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, L मतलब ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये जो है ये है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। तो ये जो सी है
ये क्या चीज है? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, क्लियर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो एम की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 होती है, डेल्टा टी कितना हुआ 0 से 100 आया, मतलब चेंज कितना आया 100, सो इट इज 100 कैलोरी। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे, आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाया, तो आपने कितनी एनर्जी खर्च की? 80 कैलोरी, 100 कैलोरी। तो इधर आपको ये एनर्जी मिली कहाँ से? स्टीम से। स्टीम से आपने कितनी निकाली थी? 540 कैलोरी। 540 कैलोरी में से अगर 180 कैलोरी चला जाता है तो अभी ये वाला हमारा क्या रहेगा? वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। तो इसका मतलब इतनी आइस मेल्ट होने से इसके टेम्परेचर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर जो भी होगा वो कितने डिग्री होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड द डिस्टेंस बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो हमको बोला गया है कि इक्विलिब्रियम पोजिशन से डिस्टेंस कितना दूर है? हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड यानी कि a/2। तो हमको बोला गया काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो लिखे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू हमको पता है, क्वेश्चन में बोला है a/2, सो इट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई दिस इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये ए स्क्वायर 3a² बाई 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई 4। तो ए स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है? 3:1। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है व्हेन टू ट्यूनिंग फॉर्क्स ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर 4 बीट्स पर सेकेंड आर हर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क बी इज 384। तो हमको क्या बोला है? तो मेरे पास कोई ट्यूनिंग फॉर्क है ए और एक कोई ट्यूनिंग फॉर्क है बी, क्लियर। तो बी का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 384 हर्ट्ज के बराबर, ए का फ्रीक्वेंसी हमको नहीं पता है तो हमने इसका नाम रखा है एफ। तो ये दोनों मिलके जो बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितने हैं? 4, क्लियर, दिस इज बीट्स। हमने क्या किया नेक्स्ट? व्हेन वन ऑफ द पॉन्क्स ऑफ फॉर्क ए, मतलब इसका हमने क्या किया? फाइल, फाइल मतलब इसको हमने घस दिया है यानी कि इसको पतला कर दिया। तो जैसे ही हम इसको फाइल करते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है। तो अब ये वाला कुछ ऐसे लग रहा है मुझको ए, अभी ये वाला फाइल्ड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई एफ डैश। ये वाला बी एज इट इज है 384 पे, हमने इसको कुछ नहीं किया। तो अब जो भी यहाँ पे बीट्स हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं, मतलब पहले 4 थे तो अब 4 से ज्यादा आएंगे। तो हमको पूछा है फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी कितनी थी बल्कि पूछा है। तो यहाँ पे देखिए बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऐसे निकाला जाता है एफ ए माइनस एफ बी, है ना, एफ ए माइनस एफ बी। तो अब यहाँ पे देखिए 384 के अंदर से क्या निकालने से 4 आ सकता है? तो यहाँ पे आप अगर से देखेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 384 माइनस एफ इक्वल टू प्लस आर माइनस 4। इन दोनों का डिफरेंस जो भी है वो 4 के बराबर आना चाहिए, या तो प्लस 4 आएगा या तो माइनस 4। तो अब देखिए 384 में से अगर मैं 380 निकालता हूँ तब मेरे को प्लस 4 आएगा, यानी कि इसकी एक वैल्यू हो गई 380, क्लियर। उसके बाद 388 में से 384 माइनस करेंगे, ऐसे बोल रहा हूँ 384 माइनस 380 क्या देता है आपको? 4। सेम वैसे ही 384 माइनस 388 तब आपको क्या मिलता है? माइनस 4। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है इसके, एक 388, क्लियर। हमको क्या बोला है? जब हम इसको फाइल करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो अब जब ये 380 को आप इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। 384 को आप इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 388 हर्ट्ज के बराबर है। आई होप कि ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द सेकेंड ओवरटोन देन द नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स बिटवीन द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर रेस्पेक्टिवली। तो हमको बोला गया कि कोई स्ट्रिंग है हमारे पास ऐसा वाला, तो ये वाइब्रेट हो रहा है सेकेंड ओवरटोन में। सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक का मतलब होता है ऐसे,
तीन हाफ वेव आएंगी कुछ इस तरीके से, क्लियर। तो इसके अंदर नोड कौन से पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहां पे और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों को हम बुलाते हैं नोड्स, दीज आर नोड्स। एंटी नोड्स क्या है, ये तीन जो पॉइंट्स है इनको बुलाते हैं हम एंटी नोड्स, एंटी नोड्स। तो बताइए इसमें कितने नोड दिख रहे हैं और कितने एंटी नोड दिख रहे हैं, टू टू नोड्स थ्री एंटी नोड्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, नोड्स एंड एंटी नोड्स, तो यानी कि फर्स्ट नोड्स बताना है टू, राइट। तो ये वाला ऑप्शन सही है, जितने हार्मोनिक होते हैं उतने यहाँ पे ऐसे बम्प बनते हैं, मतलब उतने हाफ साइकिल बनते हैं। अगर यहाँ पे फोर्थ हार्मोनिक होता तो इसमें और एक ऐसा बनता, क्लियर। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू स्पीयर्स कैरिंग चार्जेस प्लस सिक्स माइक्रोकूलम एंड प्लस नाइन माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ व्हेन ए चार्ज ऑफ माइनस थ्री माइक्रोकूलम इज गिवन टू बोथ ऑफ द स्पीयर एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस एज बिफोर द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो हमको बोला गया कि हमारे पास दो स्पीयर्स हैं, एक के ऊपर हमने चार्ज दिया प्लस सिक्स माइक्रोकूलम और एक स्पीयर है प्लस नाइन माइक्रोकूलम, इन दोनों को हमने कुछ डिस्टेंस डी पे रखा है, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना है एफ। एफ की वैल्यू किसके बराबर, के इंटू सिक्स इंटू नाइन डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, क्लियर। यानी कि 54 के बाई डी स्क्वायर। यहाँ पे भी 10^-6, 10^-6 मैंने नहीं रखा है क्योंकि अगले स्टेप में वो कटेगा, राइट। तो अब हमने क्या किया, इसको -3 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, इसको भी -3 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, तो अब ये इसका टोटल चार्ज कितना हो गया, 6 -3 यानी कि 3 माइक्रोकूलम, और इसका कितना हो गया 9 -3 6 माइक्रोकूलम, क्लियर। डिस्टेंस अभी डी है, तो अब जो फोर्स है एफ डैश इसके बारे में हमको बोलना है, तो ये कितना होगा, देखिए के 3 × 6 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, दैट इज 18 के बाई डी स्क्वायर, क्लियर। तो अब इन दोनों को आप अगर से देखेंगे तो यहाँ से आपको के बाई डी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी होगी के बाई डी स्क्वायर इक्वल टू एफ बाई 54। तो इसको ला के यहाँ पे रख दीजिए, तो एफ डैश इज इक्वल टू 18 इंटू एफ बाई 54, 18 × 54 कट जाएगा, तो ये वाला एफ डिवाइडेड बाई 3। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। तो हमको बोला गया है द टेंजेंट ड्रॉन टू ए लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, किसी भी पॉइंट पे अगर से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है इस पॉइंट पे, है ना, तो ये वाला सही है। हमको कौन सा ढूंढना है, इनकरेक्ट, तो गलत वाला। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप। क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होती हो, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है, तो ये गलत है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द डायरेक्ट्रिक सॉरी डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल प्लेन। तो हमको बोला गया कि अगर इक्विटोरियल प्लेन के ऊपर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए, ये वाला प्लस क्यू और ये वाला माइनस क्यू, तो हम जानते हैं इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, क्लियर। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आता है, ई नेट, है ना। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। तो ये दोनों कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन मतलब कितने डिग्री, 180 डिग्री। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया 3 पॉइंट चार्जेस 3 nC, 6 nC, 9 nC आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.1 मीटर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अपने पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्लियर। तो इसके एक कॉर्नर पे हमने चार्ज रखा 3 nC और एक कॉर्नर पे हमने चार्ज रखा 6 nC और एक कॉर्नर पे हमने रखा 9 nC। तो हमको बोला गया इसकी साइड लेंथ है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, क्लियर। तो हमको बोला गया कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिए एक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में होगी 1 और एक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में होगी 2 और एक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में होगी 3। तो हमको ये तीनों पोटेंशियल एनर्जी लिखने हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 किसके बीच में, 9 और 3 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R प्लस के Q3 Q4
क्यू वन डिवाइडेड बाई आर। तो ये मेरा क्यू वन है, ये क्यू टू, ये वाला क्यू थ्री। तो अगर से मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूँ तो के बाई आर सब में कॉन्स्टेंट लग रहा है, तो बाहर ले लेता हूँ 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 0.1। क्यू वन कितना है 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू टू कितना है 3 × 10⁻⁹ प्लस क्यू टू 3 × 10⁻⁹ इंटू क्यू थ्री 6 × 10⁻⁹ प्लस ये वाला क्यू टू सॉरी क्यू थ्री 6 × 10⁻⁹ इंटू क्यू वन 9 × 10⁻⁹। तो आप अगर से देखेंगे तो यहाँ +9 सभी में का एक एक -9 काट सकते हैं आप कॉमन लेके, क्लियर। तो अभी 9 / 0.1 इज 90, तो ये होगा 9 × 3 = 27 प्लस और एक 10⁻⁹ है बाहर निकालेंगे, ये वाला 3 × 6 = 18 प्लस 6 × 9 = 54 इंटू 10⁻⁹। जब आप इनको सम करेंगे तो आपको आएगा 90 × 99 × 10⁻⁹। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 8910 × 10⁻⁹ जूल, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर -9 हमको मिल रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, अगर बोला होता कि 10⁻⁹ जूल के हिसाब में देखो तो उस टाइम पे ये वाला ऑप्शन सही होता, क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन इनकरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज कैरिंग ए चार्ज क्यू इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल इज वी वन वी टू एंड वी थ्री रेस्पेक्टिवली। तो हमको क्या बोला है, कोई स्फेरिकल शेल है हमारे पास जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना। तो मेरे पास तीन पॉइंट है, पॉइंट वन, पॉइंट टू या पॉइंट थ्री, क्लियर। तो मैंने इसके ऊपर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो हमको पूछा गया है कि इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल वी वन वी टू वी थ्री के बीच में रिलेशन बताओ। तो स्फेरिकल शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के जितना ही होता है, यानी कि ये वी वन है ये वी टू है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि सरफेस पे जितना पोटेंशियल है अंदर भी सभी पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होता है, यानी कि वी वन किसके बराबर वी टू के बराबर। जब आप यहाँ से दूर जाओगे ये वाला डिस्टेंस वी कैसे लिखते हैं हम, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, जब आर इंक्रीज करेंगे तो वी क्या होगा डिक्रीज होगा, यानी कि वी थ्री जो भी है इनसे कम आना चाहिए या फिर ये लोग उससे ज्यादा होना चाहिए, दिस इज वी थ्री। सो ऑप्शन नंबर थ्री, पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस सरफेस पे जितना पोटेंशियल है अंदर भी सभी पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होता है, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वी डिक्रीज होता जाएगा। आई होप कि ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन आइसोलेटेड, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑन चार्ज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमको बोला गया है कि मेरे पास कोई कैपेसिटर है जिसको मैंने पहले से चार्ज करके रखा है, अभी इससे बैटरी निकाल दी गई है, क्लियर। तो अब इसका मान लेता हूँ कुछ चार्ज है क्यू, कैपेसिटी है सी और वोल्टेज है वी, क्लियर। तो अभी इसको कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, अगर मैं इसको ऐसे डिस्टेंस इंक्रीज कर दूँ, क्लियर। तो जब मैंने इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया है, पहले ये वाला डिस्टेंस डी था तो अभी ये वाला डी डैश हो गया है ना, तो उस टाइम पे चार्ज को क्या फर्क पड़ा, अभी बताइए यहाँ पे कोई बैटरी तो है नहीं, है ना। तो जब कोई बैटरी नहीं है तो इसमें कोई चार्ज आएगा नहीं और कोई चार्ज जाएगा भी नहीं, तो इसका मतलब चार्ज कैसा है, कॉन्स्टेंट है, तो क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट, उसके बाद जब हम सी के अंदर फॉर्मूला देखेंगे तो सी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो जब आप डी बढ़ाओगे तो सी कम होगा, यानी कि सी डिक्रीज हो गया, तो सी थर्ड में है तो थर्ड में डिक्रीज, फर्स्ट में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंक्रीज कांस्टेंट डिक्रीज, कांस्टेंट डिक्रीज यहाँ पे भी है ना। तो अभी ये दो ऑप्शन लग रहे हैं हमको, क्लियर। तो अभी देखते हैं वोल्टेज को क्या हुआ, तो हम वोल्टेज का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, है ना। तो वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई सी, जब आप सी डिक्रीज करोगे तो वी क्या होगा इंक्रीज, यानी कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, है ना।
तो जैसे जैसे कैपेसिटी हम घटाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब वी इंक्रीज हो रहा है, तो क्यू सेम रहा कांस्टेंट, सी डिक्रीज हुआ, वी इंक्रीज हुआ। तो क्यू कांस्टेंट, वी इंक्रीज, सी डिक्रीज, तो ऑप्शन फोर सही है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फोर आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMFE एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। सपोज इफ वन ऑफ द सेल इज कनेक्टेड रॉन्गली द इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास चार सेल है, हमने इनको सीरीज में जोड़ दिया है और इनमें से कोई एक सेल गलत कनेक्टेड है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है। सो दिस इज ई आर ई आर, दिस इज ऑल्सो ई आर ई आर, क्लियर। तो अब देखिए ये तीन सेल इस डायरेक्शन में करंट भेजना चाहते हैं और ये वाला सेल इस डायरेक्शन में करंट भेजना चाहता है, तो ये वाली ज्यादा है ना, तो ये वाला एक सेल इस सेल को खत्म कर देगा ईएमएफ में, तो इनका ईएमएफ खत्म हो जाएगा। तो अभी बचे कितने सेल, दो सेल का ईएमएफ बच गया है, तो यानी कि ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2E। जब आप यहां से यहां जाएंगे तो आपको कितने सेल मिलेंगे, दो सेल, और कितने रेजिस्टर्स, दो, एक और ये एक और ये वाले दो, यानी कि टोटल आपको चार रेजिस्टर मिल रहे हैं। तो ये वाला आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 4R। तो जब हम सेल उल्टा कनेक्ट करते हैं तो दूसरे सेल का ईएमएफ कैंसिल हो जाता है लेकिन रेजिस्टेंस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज बाई चेंजिंग ओरिएंटेशन, बाई चेंजिंग ओरिएंटेशन, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो वो वाला चेंज नहीं होगा, बस ये वाला ई इस ई को खत्म कर देगा, क्लियर। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, 2E 4R, तो ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है थ्री रेजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू देम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स। तो हमको बोला गया है हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं 2 ओम 4 ओम, सॉरी दिस इज 3 ओम, थ्री ओम, दिस इज 4 ओम, क्लियर। तो जब मैंने इनको बैटरी लगाया तो इन तीनों में से जो करंट पास होगा वो करंट के बारे में हमको रेशियो निकालना है। तो चलिए मैंने इसको बोला I1, इस करंट को बोलेंगे I2 और इस करंट को बोलेंगे I3, क्लियर। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ओम्स लॉ से कैसे लिखते हैं V इज इक्वल टू IR, तो वैसे ही I इज इक्वल टू V बाई आर। I2 की वैल्यू कितनी होगी, वोल्टेज V डिवाइडेड बाई 3। I3 कितना होगा, V डिवाइडेड बाई 4। तो हमको I1, I2, I3 इनका रेशियो लिखना है। तो ये होगा V बाई 2, V बाई 3, V बाई 4। तो V V V काट देंगे तो ये बचेगा 1/2, 1/3, 1/4। तो अगर से मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये होगा 6। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/3 कितना होगा, 4। 12/4 कितना होगा, 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 6, 4, 3। सो ऑप्शन 2 मैच कर रहा है। आई होप कि ये समझ में आया होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको मिल रहा है 1/2, 1/3, 1/4। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में 1/2, 1/3, 1/4 नहीं है ना, तो इनका एलसीएम लीजिए 2 × 3 × 4, तो आपको यहाँ से 12 एलसीएम आ जाएगा इनका। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब कटने के बाद ऐसे दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है टू सेल्स ऑफ EMF E1 E2 आर जॉइंड इन अपोजिशन, E1 इज ग्रेटर देन E2 इफ R1 R2 बी द इंटरनल रेजिस्टेंसेस एंड R बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सेल कैसे कनेक्टेड है, अपोजिट, तो इनका जो भी EMF आएगा वो माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ई इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, कौन बड़ा है, E1, तो इसीलिए इसको लिखेंगे E1 माइनस E2। और ये वाले सारे रेजिस्टर्स कैसे हैं, R1 R2 R सीरीज में है, तो इन सभी का RS कैसा होगा, R1 प्लस R2 प्लस R। तो करंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, है ना। तो यहाँ पे V मतलब E इक्विवेलेंट है, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई RS, दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2
डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर, तो ये हमको करंट मिला। लेकिन हमको क्या पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी पूछा गया है, तो वी इज इक्वल टू आई आर के बराबर लिखते हैं। तो आई कितना है, ई वन माइनस ई टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर इन टू आर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इन द सर्क्यूट शोन बिलो द अमीटर एंड द वोल्टमीटर रीडिंग्स आर 3 एम्पियर एंड 6 वोल्ट। तो ये बता रहा है कि इसके अंदर से 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और ये बोल रहा है कि इसके पास जो भी वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। देन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर, तो हमको आर की वैल्यू बोलना है, तो वी इज इक्वल टू आई आर, तो ये आई है ये वी है, तो आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई, 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो सही ऑप्शन है 1, क्लियर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ए इन व्हीटस्टोन नेटवर्क पी इक्वल टू 2 ओम, क्यू इक्वल टू 2 ओम, आर इक्वल टू 2 ओम, यस इक्वल टू 3 ओम। द रेजिस्टेंस विथ विच यस इज टू बी शंटेड इन ऑर्डर दैट द ब्रिज मे बी बैलेंस्ड। तो अब यहाँ पे देखिए, पी दिया हमको, पी इज इक्वल टू 2, क्यू इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 2 और यस इज इक्वल टू 3। तो अब ये बैलेंस्ड है क्या, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस चेक करना चाहिए। तो ये देखिए 2 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 3, ये इक्वेशन तो गलत बैठा ना, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो मैं इसके साथ पैरेलल में कैसा रेजिस्टेंस लगाऊं जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। ये बैलेंस कब होगा बताइए, जब यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, है ना। तो मैं मान रहा हूँ कि मैंने आर रेजिस्टेंस इसके साथ जोड़ दिया, या फिर स्मॉल आर लेंगे, तो ये मेरा यस रेजिस्टेंस है, मैंने इसके साथ एक आर रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया है। तो इनका टोटल कितना आना चाहिए, यहाँ पे क्या रखने से बैलेंस हो गए, 2, यानी कि 2 आना चाहिए। आर पी इक्वल टू आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू बोल के होता है, तो यहाँ पे आर वन आर है, आर टू यस है, तो आर इन टू यस डिवाइडेड बाई आर प्लस यस विच इज इक्वल टू 2। सो 2 इक्वल टू, आर की वैल्यू नहीं पता है, यस की वैल्यू पता है 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो इसको इधर लेके आएंगे, सॉरी ये आर प्लस 3, तो इसको इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा, 2R प्लस 6 इक्वल टू 3R। तो ये 2R इस साइड लेके आइए, तो हो जाएगा 3R माइनस 2R, यानी कि R इक्वल टू आपको मिला 6 ओम। तो जब आप 6 ओम यस के साथ पैरेलल में लगाएंगे तो टोटल कितना आएगा, 2 आएगा, और जब वो 2 आएगा तो ये बैलेंस होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 4th। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 100 ओम एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम, क्लियर। इफ इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा दिया है हमको 0.005 पर डिग्री सेल्सियस, इट्स अ टेम्परे रेजिस्टेंस विल बिकम, तो तब इसका रेजिस्टेंस कुछ हो रहा है, आर डैश इक्वल टू 200 ओम एट ए टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ऐसे होगा बोल के हमको पूछा है। तो हम जानते हैं आर डैश इज इक्वल टू आर 100 इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स T2 माइनस T1, है ना। तो इसके अंदर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये होगा 200 विच इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.0005 इंटू T2 नहीं पता है हमको, माइनस ये वाला 100, क्लियर। तो ये वाला 100 और ये वाला 100 कैंसिल, तो 2 बचा, तो 2 ये वाला 1 उस साइड लेके जाओ, -1 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 005 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 डिवाइड बाई 200 बोल के लिख दूँ, है ना, इंटू T2 माइनस 100। तो ये देखिए 2 माइनस 1 1, ये वाला 200 उधर भेज देंगे, तो ये होगा 200 इक्वल टू T2 माइनस 100, तो T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 300 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि ये समझ में आया होगा, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस इक्वल टू 2π आर प्लेस्ड राइट एंगल टू ईच अदर इफ 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर आर द करेंट्स फ्लोइंग थ्रू द टू कॉइल्स रेस्पेक्टिवली, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल्स। तो हमको क्या बोला है, अपने पास ऐसे कोई दो कॉइल्स है, कॉइल 1 कॉइल 2, है ना। तो ऐसे दो कॉइल्स हैं, तो एक में से करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर और एक में से करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। तो हमको इस जगह पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड बोलना है कितनी है, क्लियर। तो मैं इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये वाले को मैंने बोला कॉइल 1, तो इसके अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर, और इसका रेडियस कितना बोला है, 2π सेंटीमीटर, रेडियस आर इक्वल टू 2π सेंटीमीटर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो राइट हैंड रूल से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ऊपर की तरफ,
दिस इज बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू आर. सही है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4π 10⁻⁷ इंटू आई. आई कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2, आर कितना है 2π. 2π इंटू 2 4π, 4π 4π कैंसिल, तो ये आंसर आ रहा है 3 × 10⁻⁷. किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ, टेस्ला यूनिट. क्लियर. नेक्स्ट, अगला कॉइल जो है कॉइल 2, ऐसे कुछ रखा हुआ है. दिस इज रेडियस आर, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर. तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में. तो बी टू, दिस इज बी वन, इक्वल टू म्यू नॉट आई टू डिवाइडेड बाई टू आर. क्लियर. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4π × 10⁻⁷ इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 × 2π. फिर से 2, 2π, 4π कैंसिल, तो ये आंसर आ रहा है 4 × 10⁻⁷ टेस्ला, जो कि इस डायरेक्शन में. तो अभी इनका रिजल्टेंट चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, दिस इज बी वन, दिस इज बी टू, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा बी इक्वल टू अंडर रूट बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर. 3² = 9, 4² = 16, विच इज इक्वल टू 5. पावर कितना था 10⁻⁷ टेस्ला. देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. यहाँ पे सभी -5 में है, तो हमारा -7 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने कहीं तो मिस किया. यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 10⁻², आना चाहिए था, तो ये आएगा 5. दिस इज -5, तो करस्पॉन्डिंगली ये भी कितना आएगा -5. यहाँ पे भी एक 10⁻², और ये वाला जो है ये भी -5 आना चाहिए. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर 3. आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए प्रोटॉन बीम एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दी गई है बी इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला. वेबर पर मीटर स्क्वायर को क्या बुलाते हैं, टेस्ला. इफ, और ये वाला नॉर्मली बोला है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बोल दिया है. थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. इफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज 10⁻⁴, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाई मास, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ कूलम पर के जी. एंड वेलोसिटी वी दिया गया है, कितना 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड. देन द रेडियस ऑफ आर पूछा गया हमको. रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, क्यू बी. मेरे को इसकी वैल्यू पता है, क्यू डिवाइडेड बाई एम पता है, तो एम डिवाइड बाई क्यू उल्टा कर देंगे तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये वाला 10⁻⁷. क्लियर. इंटू वी कितना है 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई बी कितना है, बी की वैल्यू कहाँ पे है 10⁻⁴. तो देखिए कितना हुआ है, दिस इज प्लस -11 + 9 -2 इंटू 10⁴ दैट इज इक्वल टू 10⁻² दैट इज 100 मीटर. तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 मैच कर रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में बोला गया ए साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट न्यूट्रॉन. नहीं, साइक्लोट्रॉन का डेफिनेशन क्या कहता है, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स. तो चार्ज पार्टिकल मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बोथ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में बोला गया है ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, यानी कि आपको जी की वैल्यू दी गई है 50 ओम. इट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आई जी दिया है आपको, कितना है 5 × 10⁻⁴ होना चाहिए वो, सो दिस इज -4 एम्पियर. द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर टू रीड 3 वोल्ट, मतलब वोल्टेज दिया गया हमको 3 वोल्ट, आर की वैल्यू पूछी गई है. तो हम जानते हैं आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी डिवाइडेड बाई आई जी माइनस कैपिटल जी. सो इट इज वी कितना है 3 / 5 इंटू 10⁻⁴ -50. तो 5 / 3 होता है 0.6 इंटू 10⁻+4, क्योंकि -4 ऊपर आएगा तो +4 -50. तो आप अगर से शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 6000 -50, तो ये कितना हुआ 5950 ओम. तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में बोला गया टू पैरल वायर्स 1 मीटर अपार्ट, तो मतलब मेरे पास दो पैरल वायर्स है ऐसे, कितनी दूरी पे 1 मीटर, कैरिंग करंट 1 एम्पियर एंड 3 एम्पियर. तो एक में से करंट फ्लो है 1 एम्पियर और एक में करंट फ्लो है 3 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो डायरेक्शन कैसा है इनका, अपोजिट. सो इन अपोजिट डायरेक्शन द फोर्स पर यूनिट लेंथ
एक्टिंग बिटवीन द टू वायर्स, तो दोनों के बीच में पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है हमको देखना है। तो एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई वन आई टू डिवाइडेड बाई डी। क्लियर। तो म्यू नॉट कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 to the power -7 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1। सो इट इज 3 इंटू 10 to the power -7 न्यूटन। तब यहाँ पे देखिए, सॉरी इट इज 2 से कटाना है, तो इंटू 2 यानी कि ये वाला 6, 6 इंटू 10 to the power -7 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन है 6 इंटू 10 to the power -7 के, दिस इज वन एंड दिस इज वन। तो अब यहाँ पे एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव है, तो हम जानते हैं जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो ये अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है तो ये रिपल करते हैं। तो बताइए कौन सा सही है, रिपल्शन, क्योंकि करंट का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। तो इसका आंसर है फर्स्ट वन। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ देर इज नो टॉर्शन इन द सस्पेंशन थ्रेड देन द टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट एग्जीक्यूटिंग SHM इज। तो इसका मतलब क्या है कि जब जो धागे से हमने मैग्नेट को बांध के रखा है उसके अंदर अगर से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करने की ताकत नहीं है तो उस टाइम में इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो हम जानते हैं टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल कैसे लिखते हैं, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इज टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा इफ थीटा इज स्मॉल। तो साइन थीटा को क्या लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वलेंट टू थीटा बोलते हैं। तो उस टाइम में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एम बी थीटा। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा भी होता है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगर से लिखेंगे तो ये होगा एम बी डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा। तो हमने SHM में ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है ओमेगा स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए क्योंकि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो ये वाला माइनस। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, एम बी डिवाइडेड बाई आई। तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर, अंडर रूट एम बी डिवाइडेड बाई आई। तो हमको ओमेगा चाहिए कि टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे तो कैसे होगा, टी इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई एम बी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं, यहाँ पे 1/2 पाई है, तो हमको ऑप्शन मैच कर रहा है थर्ड। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच हैज। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनके पास परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है और ये कभी अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब उनके पास रिटेंटिविटी कम होती है, हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी, दिस इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरा मैग्नेटिक मटेरियल एट -73 डिग्री सेल्सियस दिस मच एंड इट्स वैल्यू एट -173 डिग्री विद बी। तो हमको बोला गया है खाइवन की वैल्यू कितनी है, 0.0075, कब, जब टेम्परेचर हमारा है -73 डिग्री सेल्सियस यानी कि -73 + 273 केल्विन में लिख रहे हैं, तो ये होगा 200 केल्विन। तो जब हम इसको टेम्परेचर कर देंगे T2 = -173 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब -173 + 273 विच इज इक्वल टू 100 केल्विन। तो जब इसका टेम्परेचर 100 केल्विन होगा तब कितनी है इसकी ससेप्टिबिलिटी होगी। तो हमने पढ़ा है क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ क्या कहता है, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। तो ससेप्टिबिलिटी इंटू टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं X1T1 = χ2T2, है ना। तो हमको χ2 चाहिए, तो ये वाला χ1T1 / T2। तो आप अगर से यहाँ से रख के देखेंगे तो आपको मिलेगा 0.0075 × 200/100। तो ये दो जीरो, ये दो जीरो काट देंगे तो ये मिलेगा आपको 0.015। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए आगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू कॉइल्स हैव ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.005 हेनरी, द करेंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन I = Im sin ωt वेर Im इज दिस मच 10 एम्पियर एंड ωi = 100 π रेडियन पर सेकेंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF।
तो हमको बोला गया एम की वैल्यू इतनी है, कितने 0.005 हेनरी, और आई जो बदल रहा है उसकी वैल्यू है आई एम साइन ओमेगा टी, तो जो आई एम है वो कितना है 10 एम्पियर, ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो हमको पूछा गया ई एम एफ, ई एम एफ का फॉर्मूला होता है एम इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, क्लियर। तो एम की वैल्यू 0.005 इंटू डी आई बाई डी टी, यानी कि आई एम साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। हमको क्या बोला गया है मैक्सिमम वैल्यू बोला है, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मतलब ये हो गया 0.005 इंटू आई एम की वैल्यू कितनी है 10 इंटू ओमेगा कितना है 100 पाई, सो इट इज 100 पाई। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये वाला एक 0, 2 0 इसके 2 0 के साथ कट जाएंगे, तो ये होगा ये वाला 0 इस पॉइंट के साथ कट जाएगा, तो ये वाला 5 पाई, तो जो आंसर आया वो कितना है 5 पाई। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर क्या है 5 पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एयरक्राफ्ट विथ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर फ्लाइज, तो इसका मतलब इसकी लेंथ दी गई है हमको कितना है 40 मीटर, फ्लाइज विथ ए स्पीड वी दिया गया है 1080 km/h, तो इसको मीटर पर सेकेंड में लिखना होगा, तो 1080 इंटू 5/18, तो ये कितना आएगा 300 मीटर पर सेकेंड। ईस्टवर्ड डायरेक्शन देन वर्टिकल कंपोनेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी दिया है हमको, बी की वैल्यू कितनी है 1.75 × 10⁻¹⁵ टेस्ला। देन द ईएमएफ डेवलप्ड, तो हमको इसका ईएमएफ बोला गया था, यानी कि इमोशनल ईएमएफ वाला क्वेश्चन है, ई इज इक्वल टू वी बी एल, है ना, तो वी कितना है 300 इंटू बी कितना है 1.75 × 10⁻¹⁵ इंटू लेंथ कितना है 40, 1020 30 इसमें से काट देंगे तो -2 बचेगा, क्लियर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1.75 × 4, तो हमको आएगा ये 21 × 10⁻²। तो ये पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो आएगा आंसर 0.21 वोल्ट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 0.21, ऑप्शन 3 मैच कर रहा है। आई होप कि ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन एन एलसीआर सर्क्यूट एट रेजोनेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, द इंपेडेंस इज मैक्सिमम, द करंट इज मिनिमम, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय टू। तो जब रेजोनेंस पे होते हैं तो एफ इज इक्वल टू एफ नॉट, तो उस टाइम पे एक्सएल किसके बराबर होता है एक्सी के बराबर, तो जेड किसके बराबर होता है आर के बराबर, तो इसका मतलब जब जेड आर के बराबर होता है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। इंपेडेंस मैक्सिमम बोला है लेकिन हम तो इंपेडेंस मिनिमम है, क्योंकि जेड का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो देखिए जब ये वाले दो कैंसिल कर जाएंगे तो सिर्फ बचेगा आर, तो इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ये डिक्रीज होता है, जब इंपेडेंस डिक्रीज होता है तो करंट मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट, मतलब ये वाला हमारा पावर है आउटपुट पावर, मैं इस बल्ब को ग्लो कराना चाहता हूँ, यानी कि आउटपुट पावर विच इज इक्वल टू 100 वाट। उसके बाद बोला है उसी का वोल्टेज है 110 वोल्ट, लैम्प फ्रॉम 220 वोल्ट, मतलब ये मेरा इनपुट है 220 वोल्ट। इफ द मेन करेंट, तो उस टाइम पे जो करेंट है आई इनपुट दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, तो हमको पूछा गया एफिशिएंसी बताओ, एफिशिएंसी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पी आउटपुट डिवाइडेड बाई पी इनपुट इंटू 100, तो मेरे को पी इनपुट चाहिए, तो पी आई इक्वल टू वी आई इंटू आई आई दैट इज इक्वल टू 220 × 0.5 दैट इज इक्वल टू 110 वैट। तो अब अगर से मैं इसमें रख दूं तो ये आ रहा है 100 वैट डिवाइडेड बाई 110 × 100, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 90%, क्लियर। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट वन 90%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द प्योर इंडक्टर, तो प्योर इंडक्टर के अंदर फाई की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, तो हम जानते हैं पी एवरेज दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। जब फाई की वैल्यू 90 रखेंगे तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब पी एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई 0, सो फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है इफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आर
द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन एंड म्यू आर द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज फॉर ए मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ बोला है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी डिवाइडेड बाई वी। तो सी का फॉर्मूला आता है 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और वी का करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला होता है √ म्यू एप्सिलॉन। तो इसके वैल्यूज को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए सी की वैल्यू 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वी से डिवाइड करना है यानी कि इसको उल्टा करके लिख दो, म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 1। तो इसको देखिए तो क्या मिलेगा आपको, √ म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, सेकेंड वन। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है ए पर्सन वांट्स ए रियल इमेज ऑफ हिज ओन 3 times एनलार्ज्ड, यानी कि मैग्निफिकेशन दिया है, रियल के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस, कितना 3 आ रहा है यहाँ पे। वेयर शुड ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया है -30 cm। क्यों माइनस बोला है मैंने, कॉनकेव मिरर है, क्लियर। तो हमको यू की वैल्यू बतानी है, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए यम जो भी है -3 है, यम का फॉर्मूला क्या होता है -V/U है ना, तो यहाँ से माइनस माइनस काट देंगे तो वी की वैल्यू कितनी आ रही है 3U, क्लियर। तो ये हमको मिल गया, तो आर पता है तो एफ मिल जाएगा, एफ इज इक्वल टू R/2 विच इज इक्वल टू -15 cm। तो अभी मिरर इक्वेशन लगाएंगे तो 1/F = 1/U + 1/V, दिस इज -1/15 = 1/U + 1/3, क्लियर। तो यहाँ पे LCM आएगा 3U, तो ये होगा 3 + 1 = 4 है ना, तो इसको इधर लेके जाइए, तो ये वाला 3 और ये वाला 15 काट दीजिए 5 से, 5 4 द क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू इक्वल टू आएगा आपका आंसर -20 cm। माइनस मतलब ये साइन कन्वेंशन की वजह से माइनस आ रहा है, तो हमको क्या देखना है सिर्फ 20। तो कौन सा ऑप्शन में 24th। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है हमसे कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ए रीडिंग ग्लास ऑफ ए पर्सन इफ हिज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 75 cm। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे बोला गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आदमी को दिखाई दे रहा है वो कितनी दूरी पे दिखाई दे रहा है 75, यानी कि ये उसका इमेज डिस्टेंस है -75 cm। तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहिए, डी पे, तो यू इक्वल टू -D विच इज इक्वल टू -25 cm। तो हम कम से कम ऑब्जेक्ट को इतनी नज़दीक ला सकते हैं, इससे और नज़दीक नहीं ला सकते हैं, क्लियर। तो अभी हम इसको यू पता है वी पता है तो एफ बोल सकते हैं, 1/F = 1/V - 1/U। ये वाला मिरर फार्मूला नहीं है, ये लेंस फार्मूला है, सो इट इज़ 1/V -1/75। यहाँ पे एक माइनस है और इसमें एक माइनस है, तो ये होगा +1/25। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 75, तो -1 + 3 विच इज इक्वल टू -2/75, तो दिस इज एफ 1/F। तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, -75/2 विच इज इक्वल टू -37.5 cm। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकेंड। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 0.5 m फ्रॉम द स्लिट्स फॉर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 nm। थर्ड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड मैक्सिमा फ्रॉम सेकेंड मिनिमा ऑन अदर साइड इज, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल डी दिख रहा है हमको 0.5, लैमडा दिख रहा है 500 nm, और हमको पूछा गया है एक्स 2d -x 3b, क्लियर। तो ये सभी बोलने के लिए हमको ये वाला चीज चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन में नहीं दिया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, तो इसके आपको ग्रेसिंग मार्क्स मिल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है टू ऑब्जर्व डाइफ्रैक्शन द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, तो हमको क्या बोला गया है कि अगर से डाइफ्रैक्शन होना है तो उस टाइम में ऑब्स्टेकल का साइज कैसा होना चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है कि जो ऑब्स्टेकल है अगर वेवलेंथ के कंपेरिजन में कंपेयर करने जैसा है तो उस टाइम पे यहाँ पे डाइफ्रैक्शन होगा। तो अगर ऑब्स्टेकल कुछ ऐसा है तो इसकी वेवलेंथ के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है तो उस टाइम पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये हो सकता है लेकिन डाइफ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज वेवलेंथ के कंपेरिजन में होना चाहिए, यानी कि द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो इसका मतलब ये वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द पोलराइजिंग एंगल ऑफ ए ग्लास इज 57 degree, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट दिस एंगल विल हैव एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज। तो हमको बोला गया कि ये उसका पोलराइजिंग एंगल है, तो हम जानते हैं जब कोई लाइट पोलराइजिंग एंगल पे गिरती है
तो वो रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अभी हमको क्वेश्चन पूछा गया है, ये अगर 57 डिग्री है तो ये एंगल कितना है? क्लियर? तो अब ये कैसे बताएंगे? हमको ये बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये 57। ये अगर से आप डॉटेड लाइन वाले नॉर्मल को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 57 प्लस 90 प्लस r कितना होना चाहिए? 180। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको आ आएगा 33 डिग्री। आई होप कि ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होज फोटॉन्स हैव एनर्जीज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली सक्सेसिवली इल्यूमिनेट ए मेटेलिक सर्फेस होज वर्क फंक्शन इज 0.5। द रेशियो ऑफ द स्पीड्स मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो यहाँ पे देखिए कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके ऊपर कोई लाइट गिरा जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकला जिसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है। सेम इसी मेटल पे अगर मैं और एक लाइट गिराऊं जिसकी एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फिर से जो यहाँ पे 1 बोलेंगे और इसको 2, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv². तो हमको इन दोनों एनर्जी दोनों की स्पीड का रेशियो फाइंड करना है। तो आप आइंस्टीन इक्वेशन जानते हैं, ई इज इक्वल टू 5 + ke। तो यहाँ से आपको 1/2 mv² की वैल्यू मिल जाएगी, 1/2 mv² इक्वल टू ई माइनस 5। ke की जगह पे 1/2 mv² लगाया मैंने, तो ई 1 - 0.5 विच इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? तो आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको तब भी मिलेगा 1/2 mv² इक्वल टू 2.5 - 0.5 विच इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो 1/2 mv² डिवाइडेड बाई 1/2 mv² तो 1/2 mv कैंसिल विच इज इक्वल टू इसका 2 / 1/2, तो ये आएगा 4। तो आपको मिल रहा है v1/v2 होल स्क्वायर, ये वाला v1² / v2² विच इज इक्वल टू 4। तो जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिलेगा v1/v2 इक्वल टू 2:1। तो यहाँ पे 2:1 नहीं है लेकिन उसके बदले में क्या है, 1:2, तो ये वाला इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने कल प्रीवियस पेपर में भी ऐसे ही सॉल्व किया था, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई √120। तो आपको जब ये सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 12.27 डिवाइडेड बाई √120। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ रहा है 1.120 10^-10। तो आप अगर से इसको और थोड़ा शिफ्ट करते हैं तो ये होगा 112 पिको मीटर, पिको मतलब 10^-12। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो इसका आंसर है थर्ड वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 MeV इज स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री बाई गोल्ड न्यूक्लियस। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास कोई गोल्ड न्यूक्लियस है जिसका Z92 है ना, तो ये नहीं दिया होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा था जिसकी एनर्जी 5 MeV के बराबर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आया तो ये वाला कुछ दूरी से वापस चला गया, तो ये जो दूरी है तो ये दूरी हमको बतानी है। तो जब यहाँ पे आया था तो रिटर्न होने के टाइम पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हुई होगी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो भी एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज 5 MeV, 5 MeV विच इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, तो Q1 मतलब चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि 2E के बराबर होता है, Q2 मतलब चार्ज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस जो कि 92E के बराबर होता है। तो जब आप इन सारे वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो आपको R की वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगी 9 × 10^9 × 2 × 1.6 × 10^-19
इंटू 92 इंटू 10^1.6 10^-19 डिवाइडेड बाई ये वाला 5 मेगा, 5 मेगा मतलब 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए 1.6 10^-19। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 5.3, 5.3 इंटू 10^-14 मीटर के बराबर आ रहा है। तो इसके अंदर से ये वाले नंबर को भूल जाइए, बस ये पावर को देखिए। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10^-12 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन 2, 10^-12 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एन ऑर्बिट लेवल एन इक्वल टू 3 टू एन ऑर्बिट लेवल एन इक्वल टू 2 द एमिटेड रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमको न्यू बताना है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट को जंप कर रहा है, तो जो फोटोन निकलेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमको बतानी है। तो हम जानते हैं 1/λ इक्वल टू आर इंटू 1/N1² माइनस 1/N2² तो ये हमारा N1 होता है जहाँ पे हम जंप मारते हैं, और N2 वो होता है जहाँ से हम जंप मारते हैं। तो R इंटू 1/N1² N1² कितना 4 माइनस 1/9 तो LCM आएगा 36। सो R 9 - 4 डिवाइडेड बाई 36 विच इज इक्वल टू 5R डिवाइडेड बाई 36। क्लियर? तो हमको लैम्डा नहीं चाहिए, हमको चाहिए न्यू। न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो इसको सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 5RC डिवाइडेड बाई 36। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन एमिटेड इन द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसमें से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमको बताना है कि लाइमन सीरीज का जो सबसे कम एनर्जी वाला पार्टिकल होता है, कम एनर्जी मतलब ये वाला लाइमन सीरीज कब होता है, जब एन की वैल्यू 1 पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप मारे। तो फर्स्ट मेंबर N2 इक्वल टू 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी है तो इसका हमको क्या बताना है, लैम्डा बताना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/N1² माइनस 1/N2². तो लीस्ट एनर्जी इंप्लाइज फर्स्ट मेंबर। क्लियर? तो N1 इक्वल टू 1, N2 इक्वल टू 2। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1.097 इंटू 1/1 माइनस 1/4, सो इट इज इक्वल टू 3/4 इंटू 10^7 एक होता है, 1.097 इंटू 3/4 10^7। तो ये हमको दे रहा है 1/λ, तो लैम्डा चाहिए, तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको सॉल्व करने का आएगा 1.122 नैनोमीटर। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर है 3rd। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए न्यूक्लियस एट रेस्ट स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स हैविंग रेडियस इन द रेशियो, मतलब R1/R2 की वैल्यू कितनी है, 1/2। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी V1/V2 की वैल्यू हमको बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए M1 M2 पता होना चाहिए, तो ये न्यूक्लियस है तो डेंसिटी सभी के लिए सेम होगी। तो मैं ऐसे लिख दूँ M1/M2 इक्वल टू, मास कैसे लिखते हैं हम, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पे V1 into rho डिवाइडेड बाई V2 into rho। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये रो कटा, 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 4/3 πr²³। 4/3 πr³ कटा तो r³ डिवाइडेड बाई r²³ विच इज इक्वल टू 1/8, क्योंकि r₁ r₂ की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो अब हम जानते हैं जब रेस्ट में था तो इसका मोमेंटम कैसा था, 0। मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम M₁ V₁ - M₂ V₂। क्यों माइनस किया है, क्योंकि एक पार्टिकल या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं +M₂ V₂, तो दोनों का फाइनल मोमेंटम का सम भी 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब M₁ V₁ इक्वल टू -M₂ V₂। तभी यहाँ से आपको M₁ / M₂ पता है, तो M₁ / M₂ इक्वल टू -V₂ / V₁। तो M₁ / M₂ की वैल्यू कितनी है, 1/8 विच इज इक्वल टू -V₂ / V₁। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे 8:1 है, 1:8 नहीं है। तो इसका मतलब इसको उल्टा लिखिए, तो उल्टा लिखेंगे तो ये आएगा V₁ / V₂ इक्वल टू 1/8। तो इसका मतलब ये वाला माइनस क्या बता रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इस साइड जा रहा है तो एक इस साइड जा रहा है। क्लियर? आई होप कि ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है
द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स, यानी कि आपको टी हाफ दे रखा है 20 मिनट। टाइम टेकन बिटवीन 50% डीके एंड 87% डीके ऑफ द सब्सटेंस विल बी, तो 50% से 87.5% डीके होने के लिए कितना टाइम लगा। तो ये देखिए आपका 100 था, एक हाफ लाइफ बीत गया, तो आपके पास कितना बचा 50%, तो इसका मतलब 50% खत्म हो गया। तो नेक्स्ट और एक हाफ लाइफ बीत गया है ना, तो तब आपके पास कितना बचा 25% बचा, तो इसका मतलब 75% खत्म हो गए। तो उसके बाद ये वाला 12.5% रिमेनिंग है, तो कितने हाफ लाइफ हो गए, 3 हाफ लाइफ्स है ना। लेकिन मेरे को कहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ तक 50% डिकेड, ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग दिस इज अ डिकेड, 50% 75% ये वाला 87.5%। तो 50 से 87.5 आने तक कितने हाफ लाइफ लग गए, 2, एक हाफ लाइफ की वैल्यू 20 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 40। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है ए रेडियो एक्टिव डिके कैन फॉर्म एन आइसोटोप ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस, मतलब एक एलिमेंट है जो कि अपने आप को डिके भी कर रहा है और वापस डिके करते करते अपने ही फॉर्म में आ जाएगा विद द एमिशन ऑफ पार्टिकल्स। तो अब ये ऐसे कैसे होगा, तो इसका मतलब सेम न्यूक्लियस चाहिए हमको एक्स जेड ए, तो ये डिके भी करे और वापस अपने शेप में भी आ जाए। तो जब ये वाला मान लीजिए अल्फा पार्टिकल डिके करता है, तो इसका जो होगा वो होगा जेड माइनस टू, सॉरी ये वाला एक्स नहीं रहेगा, तब कोई और एलिमेंट हो जाएगा वाई, जेड माइनस टू ए माइनस फोर होता है, क्लियर। तो अब मेरे को आइसोटोप बनाना है, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जेड सेम, तो दोनों का जेड सेम होना चाहिए, क्लियर। तो अब यहां पे देखिए, तो जब अल्फा पार्टिकल होता है तो 2 से जेड कम हो जाता है, तो बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो जेड इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब अब इसको वापस जेड माइनस टू से जेड बनाना है तो कितने बीटा पार्टिकल चाहिए, 2 बीटा पार्टिकल्स। जब आप 2 बीटा पार्टिकल निकालेंगे तो इसके अंदर से तो क्या आएगा, जेड ए माइनस फोर, तो इसका मतलब कितने बीटा पार्टिकल, 2 बीटा पार्टिकल और एक अल्फा पार्टिकल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1 अल्फा एंड 2 बीटा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एन LED इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए PN जंक्शन बेस्ड ऑन ए सर्टेन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हुज एनर्जी गैप, मतलब यहाँ पे EG दिया है हमको एनर्जी गैप, दैट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पूछा है हमको, तो यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं EG इक्वल टू 124 00 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, 124 00 डिवाइडेड बाई 1.9, तो इसका आंसर आएगा 6.5 × 10⁻⁷। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आ रहा है 6526 × 10⁻¹। तो दोनों तीन नंबर शिफ्ट कर लीजिए, 1, 2, 3, तो आपको मिलेगा 6.5 × 10⁻⁷ मीटर। सो आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हैज़, तो ये वाला आपके सिलेबस को नहीं है, पहले था, फिर भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उसे बुलाते हैं जिसके अंदर सेंटर में कैरियर वेव होता है, कैरियर वेव, और साइड्स में दो बैंड्स होते हैं, लोअर बैंड साइड और एक होता है अपर बैंड साइड, अपर बैंड साइड। तो इसके अंदर देखिए कौन सा ऑप्शन है, वन कैरियर वेव टू साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, वन कैरियर वेव विथ इनफाइनाइट, नहीं, तो ये वाला फर्स्ट वाला सही है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या गया है द सर्क्यूट हैज़ टू अपोजिटली कनेक्टेड आइडियल डायोड्स, आइडियल डायोड्स मतलब इनका जो वोल्टेज होता है जीरो मानना होता है, वॉट इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू द फ्लोइंग इन द सर्क्यूट, तो हमको बोला गया कि इस सर्क्यूट में करंट बताओ। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस करंट फ्लोज, रिवर्स बायस में होता है तो रिवर्स बायस नो करंट फ्लोज, नो करंट फ्लोज, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है तो ये पी टाइप है, इसका पॉजिटिव पी टाइप हो गया है, यहाँ पे इसका नेगेटिव है, तो ये वाला
पॉजिटिव एन टाइप, तो इसका मतलब ये वाला रिवर्स है और ये वाला फॉरवर्ड है। तो जब ये रिवर्स है तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसको भूल जाओ, तो बचा है ये वाला। तो आपको टोटल करंट बताना है कितना है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये फोर ये थ्री, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे इस रास्ते में, सेवन। आर एस इक्वल टू 7 ओम। तो आपको आई निकालना है, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, दैट इज इक्वल टू 12/7, विच इज इक्वल टू 1.33 एम्पियर। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्व डिवाइड बाई सेवन, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.71 एम्पियर। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन है वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन सीई मोड कॉमन एमिटर मोड इज द ग्राफ ऑब्टेंड बाई प्लॉटिंग। तो ये वाला अभी आपके सिलेबस को नहीं है, फिर भी एक बार बोल देते हैं। कॉमन एमिटर, तो ट्रांजिस्टर के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेस और एक होता है एमिटर। सो दिस इज एमिटर, बेस, कलेक्टर। तो जब हम एमिटर को इनपुट आउटपुट दोनों के लिए कॉमन यूज करते हैं, तो तब इनपुट एक में देते हैं बेस में और आउटपुट कलेक्टर से लेते हैं। तो इसका मतलब जब हम इनपुट देंगे तो आई बी करेंट आएगा, तो वी बी ई के साथ उसका वोल्टेज बनाएंगे, कब, जब वी सी कॉन्स्टेंट होगा। सो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इन द गिवन ट्रुथ टेबल इज फॉर, ये कौन से गेट का ट्रुथ टेबल है। देखिए, 0 0 देने से 1 आ रहा है, 0 1 देने से 1 आ रहा है, 1 0 देने से 1 आ रहा है, लेकिन 1 1 देने से 0 आ रहा है। तो ये बिल्कुल एंड गेट का उल्टा लग रहा है मुझको। तो देखिए यहाँ पे ए बी वाई, 0 0 देते हैं तो 0 आता है, 0 1 देते हैं तो भी 0 आता है, 1 0 देते हैं तो भी 0 आता है, लेकिन 1 1 देने से 1 आता है। तो जब आप इसको नॉट गेट कनेक्ट करेंगे एंड गेट को, तो उस टाइम पे ये वाला कुछ ऐसे देगा, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। तो इसका मतलब ये नैंड गेट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेव यूज फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है जहां तक दिखे। तो यहाँ पे कोई सेटेलाइट है, तो इससे यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है और ये वाला यहाँ तक दिख रहा है, तो इसका मतलब इतने अंदर ये कम्युनिकेशन करा पाएगा। तो ये वाला जो है, तो लाइन ऑफ साइट कहाँ पे यूज करते हैं, स्काई वेव, सॉरी स्पेस वेव्स में यूज करते हैं, सेटेलाइट में। कहाँ पे यूज करते हैं, स्पेस वेव्स। आई होप कि ये वाला जो पेपर हमने सॉल्व किया है आज, आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करूंगा। और अगर से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।